हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी तक आप मेरे साथ इशू ऑफ शेयर्स के ऑलरेडी 10 पार्ट्स 10 वीडियोस के थ्रू देख चुके हैं। आज हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आप शेयर इशू करते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? कैश शेयर होल्डर से। बट यहां कह रहा है कि आपने शेयर इशू किया का फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब जो समथिंग इन रिटर्न मिलेगा वो, सॉरी, वो कैश नहीं मिलेगा, कैश के अलावा कुछ मिलेगा। तो इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है ध्यान से देखिए। जैसे एक्स वाई जेड लिमिटेड है, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेज किया किसी का, बिजनेस परचेज किया ए बी सी एंड कंपनी का, ठीक है। अब बिजनेस जब परचेज किया ए बी सी एंड कंपनी का, तो इन रिटर्न उन्होंने उसको शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। तो यहां पर एक्स वाई जेड लिमिटेड शेयर इशू कर रही है, उससे उसे कैश नहीं मिल रहा, बट उसके वजह से उसको एक किसी का बिजनेस ही पूरा टेक ओवर करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। सपोज एबीसी लिमिटेड है, उसने बिल्डिंग या कोई लैंड परचेज करी मिस्टर ए से, ठीक है। ये परचेज करी और इसके बदले में एबीसी लिमिटेड मिस्टर ए को शेयर्स इशू कर रही, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के। अब ध्यान से देखिए आगे कि एंट्रीज किस तरीके से होती हैं इसके अंदर। देखो, आपने कोई असेट परचेज करा है तो आपके असेट्स बढ़ गए, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, यस और नो। उसको आपने जो भी अमाउंट पे करना है टू वेंडर, आपने उसको क्या नाम दे दिया? टू वेंडर, ठीक है। अभी मैं बड़ा सिंपल सा केस आपको बता रहा हूँ, ये केस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने सिर्फ क्या परचेज किया है, असेट परचेज किया है कोई, तो संडी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बट केस टू, अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया है, देखो जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो उसके अंदर असेट्स भी आएंगे हमारे पास और उस बिजनेस की लायबिलिटीज भी आएंगी, तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। सपोज आपके पास असेट्स आए उस बिजनेस के 10 लाख के और लायबिलिटीज आई आपकी 2 लाख रुपए की, तो आप खुद बताओ आप वेंडर को कितना पे करोगे? 8 लाख रुपए, यस और नो? या आप 10 लाख पे कर दोगे? ऑब्वियसली जितना नेट असेट्स का अमाउंट है। तो टू सन्ड्री लायबिलिटी टू जो बैलेंस है वो हम पे करेंगे किसको? वेंडर को। बात समझ में? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मैं 10 लाख करूँगा, यहाँ मैं कितना करूँगा? 2 लाख, और यहाँ कितना करूँगा मैं? 8 लाख। ये जो 8 लाख का मैं अपने निकाला, ये मैंने क्या निकाला? ये निकाला नेट असेट्स, दैट इज असेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। अब एक वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन होता है अमाउंट पेबल टू वेंडर। जो अमाउंट आपने वेंडर को पे करना है उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो आपकी कितनी निकल के आई? 8 लाख रुपए, ठीक है। बट अगर आप यहाँ देखें तो परचेज कंसिडरेशन एंड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज सेम, यस और नो? अगर आप इस केस में देखें
तो वैल्यू ऑफ नेट असेट्स जो है वो इक्वल है वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन के, इक्वल है। लेकिन देयर मे बी अ सिचुएशन कि जब वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसको मैं पीसी लिख रहा हूँ, ज़्यादा हो वैल्यू ऑफ नेट असेट से। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने बिजनेस परचेज किया, अभी पीछे एग्जाम्पल में बिजनेस परचेज किया जिसमें बिजनेस के असेट्स थे 10 लाख के, लायबिलिटीज थी 2 लाख की, नेट असेट्स कितने आ गए थे 8 लाख, ठीक है। अब सपोज हम उसे परचेज कंसिडरेशन जो पे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं से 9 लाख रुपीस, मतलब हम जो असेट टेक ओवर कर रहे हैं वो कितने के टेक ओवर कर रहे हैं 8 लाख के, बट हम पे कर रहे हैं 9 लाख। भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो आप कभी किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, आप गए आपने उसके असेट लायबिलिटी देखे, वो 8 लाख रुपए के निकल के आए, बट उसने आपको बोला कि सर मैं आपको बिजनेस तो बेच दूंगा बट मेरे बिजनेस की आज एक एस्टेब्लिश मार्केट गुडविल है। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको डे वन से एफर्ट करने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट मेरे बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है, इसकी मार्केट के अंदर अच्छी गुडविल है तो आपको डे वन से ही कस्टमर्स मिलेंगे। तो क्या वो आपको बिजनेस 8 लाख में देगा? नहीं, 8 लाख से ज्यादा में देगा। तो जितना अमाउंट एक्सेस चार्ज किया है उसको हम नाम देते हैं गुडविल। वो अमाउंट किसके लिए चार्ज किया गया है? गुडविल के लिए। और ये एक तरह से आपके लिए परचेज गुडविल है, और इसका AS आप मेरे साथ पार्टनरशिप की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपने पार्टनरशिप की सारी 45 वीडियोस देख ली हैं। परचेज गुडविल, समझ में आई बात? और AS 26 के हिसाब से इट इज अलाउड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें, आपके पास असेट्स आए कितने के? सर 10 लाख रुपए के। लायबिलिटीज आपके पास आई कितने की? सर 2 लाख रुपए की। आपके पास जो वेंडर को अमाउंट पे करना है वो कितना पे करना है आपने? सर 9 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए जो आपने पे किए वो किसके लिए पे किए हैं? गुडविल के लिए। गुडविल डेबिट कितने से? 1 लाख से। बात समझ में? तो अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट असेट से तो बैलेंस लेफ्ट इज गुडविल, जो बैलेंस बच गया वो क्या है? गुडविल है। बात समझ में आती है आपको? तीसरा केस मैं अब आपके साथ लेने जा रहा हूं। अगर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन कम है वैल्यू ऑफ नेट असेट से, ये वो बिजनेस होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में पूरी तरीके से डूब चुके हैं बट फिर भी कोई उन्हें परचेज कर रहा है। सपोज असेट्स थे 10 लाख के, वही एग्जांपल, लायबिलिटी आपके पास 2 लाख, तो जो आपके नेट असेट्स निकल के आते हैं वो कितने के निकल के आते हैं? 8 लाख के। अब सपोज परचेज कंसिडरेशन जो है, परचेज कंसिडरेशन हमारी यहाँ पर है से 7 लाख, तो आप जो है कम पे कर रहे हो, मतलब आपको 8 लाख का बिजनेस किसी का कितने में मिल रहा है? 7 लाख पे मिल रहा है। तो ये एक तरह से आपके लिए प्रॉफिट है, वो भी किस नेचर का? प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। ये बात भी मैं आपको सारी पहले डिस्कस कर चुका हूँ 4 फीचर की वीडियो में, कि प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, कैपिटल नेचर एक रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स वो होते हैं जो बिजनेस करने की वजह से आते हैं, सेल्स करने की वजह से आते हैं, बट अगर आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, और यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होंगे वो किस नेचर के कहलाएंगे? कैपिटल नेचर के। अब कैपिटल नेचर के प्रॉफिट जो है वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में? और प्रॉफिट है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसी केस के अंदर अगर मैं देखना चाहूं कि एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी सन्ड्री असेट्स डेबिट कितने से? 10 लाख से 2 लाख।
टू सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की टेक ओवर हुई, 2 लाख की। मुझे वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है? सर आपको वेंडर को पे करना है 7 लाख रुपीस, और जो आपके कैपिटल रिजर्व आएंगे वो कितने के आएंगे? सर हमारे कैपिटल रिजर्व जो हैं वो आएंगे 1 लाख रुपीस के। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो भी प्रॉफिट है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो होपफुली आपको परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं एक आधा एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक्स वाई जेड लिमिटेड टेक ओवर द असेट्स ऑफ रुपीज 20 लाख एंड डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 25 लाख। अब मैंने नहीं बताया इसमें असेट्स लाइबिलिटी, जरूरी नहीं है लाइबिलिटी हो, सिर्फ असेट्स भी हो सकता है, सिर्फ लाइबिलिटी हो ये नहीं हो सकता। चलिए 20 लाख के असेट्स हैं, डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख, तो बताइए क्या आया? सर असेट्स तो हमारे पास 20 लाख के आए, बट हमें जो वेंडर को पे करना है वो पे करना है सर 25 लाख रुपीस। तो जो हमारा एक्सेस आया 5 लाख रुपए सर, उसको मैं नाम दूंगा गुडविल का। समझ में आ गई? तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करनी आई, दैट हाउ टू रिकॉर्ड द एंट्रीज, केस वन, केस टू बिजनेस परचेज का। और उसके अंदर मैंने आपको 3 सिचुएशंस बता दी केस टू में, ए बी और सी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आए जो मुझे आपको सिखानी है इसी में, हाउ टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन। जो आपने अमाउंट वेंडर को देना है उसको हम किस तरीके से सेटल करेंगे वो हम इस टॉपिक के अंदर अब पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस टॉपिक की आपको हेडिंग ही दिख रहा होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब यहां हम परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने जा रहे हैं बाय वे ऑफ इश्यूइंग द शेयर्स। समझ में ही बन? और आपको पता है शेयर्स 2 तरीके से इशू होते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। अब इसके अंदर हमेशा सबसे पहले आपको फर्स्ट चीज निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जिसके लिए आप क्या करोगे, पीसी पेबल इन शेयर्स, कितनी परचेज कंसिडरेशन आप शेयर्स में देना चाहते हो उसको आप डिवाइड कर दोगे इश्यू प्राइस से। जितनी परचेज कंसिडरेशन आप शेयर्स में पे करना चाहते हैं उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इश्यू प्राइस से। अब ये क्या है, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ए बी सी लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ मिस्टर ए बाय प्रोवाइडिंग परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 20 लाख, बिजनेस इंक्लूड्स असेट्स ऑफ रुपीज 25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 10 लाख। बिजनेस के अंदर जो है असेट है 25 लाख के और लाइबिलिटी कितने की है, 10 लाख रुपए की। केस वन, शेयर्स आर, या मैं थोड़ा सा इसको और इलेबरेट कर देता हूं,
एबीसी लिमिटेड पेड कैश ऑफ रुपीस 10 लाख एंड बैलेंस बाय इशूइंग शेयर्स। उसमें मैंने दो केस बना दिए, एट पार और सेकंड एट प्रीमियम ऑफ रुपीस 2 पर शेयर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट तैयार करना है, नेट असेट्स निकालने हैं। नेट असेट्स क्या होते हैं? असेट्स माइनस असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही होता है। असेट्स कितने के हैं आपके? 25 लाख। लायबिलिटीज कितने की हैं? 10 लाख। तो जो नेट असेट्स हैं वो कितने के हैं? 15 लाख के। ठीक है, अगर आप देखें तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर हमारी कितनी है? 20 लाख रुपए। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है आपका? गुडविल है कितने की? 5 लाख की। आपने एक सबसे पहले बेसिक वर्किंग नोट तैयार कर लिया। अब आप एंट्री रिकॉर्ड करिए, सन्ड्री असेट्स डेबिट, गुडविल डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। यहाँ वेंडर का आपको नाम गिवन है तो आप सीधे लिख देंगे टू मिस्टर ए, 20 लाख ना। देखिए 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अब उसने क्वेश्चन में आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि मिस्टर ए को हमने कैश पे किया 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो मिस्टर ए डेबिट टू कैश 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल पीसी कितनी थी? सर 20 लाख, जिसमें से आपने इन कैश कितनी पे कर दी? सर इन कैश मैंने पे कर दी 10 लाख। तो पेबल इन शेयर्स कितनी है? टेन लाख। ये सुनो, ये आपको वर्किंग नोट ऐसे ही तैयार करना है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था पीसी पेबल इन शेयर्स, ये सुनो केस वन। अब केस वन अगर आप देखें तो एट पार, मतलब हमने 10 का शेयर 10 में ही इशू किया होगा, तो आपके कितने शेयर्स आ गए? 1 लाख शेयर्स आपने इशू किए हैं। तो केस वन में अगर मैं बताऊं कि हम क्या करेंगे, ए डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख, 10 लाख। समझ में आई बात? और अगर यही मेरा केस टू है, केस टू के अंदर मैंने शेयर्स किस पे इशू करे हैं? प्रीमियम पे। तो मैं जो नंबर ऑफ शेयर्स निकालूंगा, 10 लाख, कितने प्रीमियम पे इशू किए हैं? सर 2 रुपए। तो देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, इशू प्राइस। अगर 2 रुपए प्रीमियम पे आप इशू कर रहे हैं तो आपका जो इशू प्राइस है वो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो अगर मैं 10 लाख बटा 12 करता हूं तो ये आता है 83,333 शेयर्स। आपको डेसिमल के बाद इग्नोर करना है, जैसे अब यहाँ 83,333.333 आ रहा है, इनफैक्ट ये 83,333.99 भी आ रहा होता तो डेसिमल वाला आपको इग्नोर करना है, आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। प्लीज डू नॉट राउंड ऑफ।
एग्जाम में मत लिखाना ये, प्लीज डू नॉट राउंड ऑफ, इग्नोर डेसिमल ओनली, समझ में आई बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। ए डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना अमाउंट है ये? 10 लाख। शेयर कैपिटल 83,333 है, तो ये आपका आ गया 8,33,330। कैसे आया समझ में आपको? एट, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। प्रीमियम में कितना आएगा बताओ? 8 × 2, देखें कितना आता है, 166666, 8,33,330। तो अगर आप देखें तो आपके पास बैलेंस बच गया 4 का, जिसको आप लिख देंगे टू कैश। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आपने पहली चीज राउंड ऑफ नहीं करना, डेसिमल इग्नोर करनी है, 0.99 भी है तो भी। और सेकंड चीज, जो आपके पास बैलेंस बच जाएगा उसको आप किस में पे कर देंगे? कैश में, समझ में आएगा? तो दिस इज द वे आउट टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन, किस तरीके से हमें पीसी डिस्चार्ज करनी है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लास्ट ऑल ले रहा हूँ, उसके बाद आपको कोई दिक्कत किसी तरह के क्वेश्चन में नहीं आएगी। एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज्ड असेट ऑफ रुपीज 10 लाख एंड डिस्चार्ज्ड वेंडर बाय गिविंग कैश ऑफ रुपीज 2 लाख एंड शेयर्स, एंड इनफैक्ट अगर मैं लिखूं एंड 10,000 शेयर्स, सॉरी 90,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 1 per share। अब देखिए ये क्वेश्चन आप एक और कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। पास जर्नल, समझिए इस चीज को जरा। देखिए बेटा, हमने असेट परचेज करे 10 लाख की, ये बात की बात है। अभी आपने परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या दिया? यहां परचेज कंसिडरेशन उसने आपको ऐसे बताई है कि परचेज कंसिडरेशन में मैंने कैश दिया, कैश दिया कितने का? 2 लाख रुपए का, प्लस हमने शेयर्स दिए, और शेयर्स कैसे दिए? 90,000 शेयर्स 1 रुपए प्रीमियम 11 से, तो कितना आ गया? 9,90,000। तो टोटल अमाउंट जो हमने पे किया, कितना पे किया? 11,90,000। बात समझ में? कैश ये आपने परचेज कंसिडरेशन दी, कैश में इतनी और शेयर्स में इतनी। अब अगर आप देखें तो आप जो असेट परचेज कर रहे हैं वो कितने के परचेज कर रहे हैं? 10 लाख रुपए के। ये सुनो, इस क्वेश्चन में शेयर्स आपको बता दिया उसने, कैश बता दिया, पीसी आपके पास आ गई, क्योंकि पीसी या तो कैश में जाती है शेयर्स में। नेट असेट्स कितने के आ गए? 10 लाख। ज़्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो? ज़्यादा दे रहे हैं सर, तो गुडविल आ गई कितनी? 1,90,000। पहला काम है आपको वर्किंग नोट बनाना, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एंट्री क्या करने वाला हूँ, सन्ड्री असेट डेबिट, ठीक है, टू सॉरी गुडविल भी है, सन्ड्री असेट डेबिट, गुडविल डेबिट टू वेंडर, ठीक है बेटा। कितना? 10 लाख। गुडविल कितनी? सर 1,90,000, और यहाँ पर 11,90,000। और उसके बाद हम क्या करेंगे? वेंडर डेबिट टू इक्विटी, और सॉरी कैश भी दे रहे हम, और इसमें मैं मर्जी कर देता हूँ शेयर कैपिटल, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है।
ऐसे एंट्री अलग ही करना एग्ज़ाम में, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 11,90,000 कैश कितना दे रहे हैं हम? 2 लाख। शेयर्स कितने दे रहे हैं? 90,000। तो 90,000 इंटू 10 कितना? 9 लाख। और प्रीमियम में कितना? 90,000, दैट इज 90,000 इंटू 1। ठीक है बेटा, तो ये था आपका टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाया हूँ। बार बार मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कीप शेयरिंग विद द फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे पास भेजते रहिए, नंबर आप लोगों के पास है ही। एंड अगर जो भी आपका ओपिनियन है वीडियो देखने के बाद, गूगल पे जाइए, ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, वहाँ पर टाइप करिए। और जो भी आपको लगता है कि एक सुटेबल रेटिंग आपको हमें देनी चाहिए वो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर दें। एंड बेटर अगर आप वहाँ पर कुछ कमेंट भी लिख सकें, जो भी आपको लगता है कि ठीक है वो आप वहाँ पर लिखिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।